अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बॉलीवुड और टीवी एक्ट्रेस सुशांत सिंह राजपूत ने रविवार को अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। फैंस और एक्टर के रिएक्शन के बाद सुशांत की गर्लफ्रेंड रह चुकी अंकिता लोखंडे को बड़ा सदमा लगा है। बॉलीवुड और टीवी एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने रविवार को अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सुशांत की खुदकुशी की खबर सुनने के बाद हर कोई सन्न रह गया है। टीवी से लेकर बॉलीवुड जगत के लोग सोशल मीडिया पर सुशांत की मौत पर दुख जता रहे हैं। एक्टर की मौत का सभी को बड़ा सदमा लगा है, लोग इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। फैंस और एक्टर के रिएक्शन के बाद सुशांत की गर्लफ्रेंड रह चुकी अंकिता लोखंडे को बड़ा सदमा लगा है। दोनों ने पवित्र रिश्ता से लेकर करियर की शुरुआत की थी। जब फोन करके सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर उनसे पूछा गया तो वह हैरान रह गई। सुशांत सिंह राजपूत के निधन की खबर ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि किसी परेशान व्यक्ति से उसका हाल जानना कितना जरूरी है। खैर, सुशांत ने बॉलीवुड में कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है और अपनी एक्टिंग से टीवी के बाद फिल्मी इंडस्ट्रीज में एक सफल कलाकार के तौर पर मुकाम बनाया है। सुशांत के मौत की खबर को लेकर जब उनकी एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे से एक टीवी चैनल ने रिएक्शन लेना चाहा तो एक्ट्रेस हैरान हो गई। अंकिता को जब सुशांत की सुसाइड की बात बताई गई तो वो जोर से चीख पड़ी। जाहिर है अंकिता के लिए इस बात पर यकीन करना बेहद मुश्किल है। सीरियल पवित्र रिश्ता के दौरान ही अंकिता और सुशांत एक दूसरे को डेट करने लगे थे। दोनों का रिश्ता काफी लंबे समय तक चला। उसके बाद सुशांत ने बॉलीवुड में अपनी जगह बनाना शुरू कर दिया था। इस बीच सुशांत और अंकिता में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था और दोनों एक दूसरे से अलग होने के लिए फैसला ले चुके थे। सुशांत से ब्रेकअप होने के बाद अंकिता काफी टूट गई थी। उन्होंने हर किसी से दूरी बनाना शुरू कर दिया था। हालांकि धीरे धीरे उन्होंने खुद को संभाल लिया। वहीं सुशांत अपनी फिल्मी करियर पर ध्यान देते रहे। इस दौरान ऐसा क्या हुआ जिसके कारण वो डिप्रेशन का शिकार हुए, इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है।